रही है और जो भी ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे वो उठाए जा रहे हैं। कल दोपहर 2 बजे के बाद कोरोना का कोई नया संक्रमित मरीज अब तक सामने नहीं आया है। अभी तक प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 93 है, जिनमें ईरान से आए 17 भारतीय भी शामिल हैं। प्रदेश के कुल 33 में से 11 जिले कोरोना की चपेट में है। सबसे ज्यादा केस भीलवाड़ा में 26 और जयपुर में 21 है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको कोरोना अपडेट दे रहे हैं, जहां कल दोपहर बाद से अब तक कोई नया संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है। राहत की ये बात है, प्रदेश में अब तक 93 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 33 में से 11 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा 26 मरीज मिले हैं, जबकि राजधानी जयपुर की बात करें तो वहां अब तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं। तो राजस्थान में कोरोना को लेकर राहत के आसार नजर आ रहे हैं। कल दोपहर बाद से अब तक कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में अब तक कोरोना मरीजों की कुल संख्या 93 है। आशुतोष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर है। आशुतोष, बिल्कुल राहत के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल दोपहर के बाद से अब तक कोई संक्रमित मरीज सामने नहीं आया है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल पूरे राजस्थान के लिए इसे एक शुरुआती जो बड़ी राहत है वो कहा जा सकता है। कल दोपहर 2 बजे जो आंकड़े जारी हुए थे, उनके बाद में किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव केस जो है पूरे राजस्थान से सामने नहीं आया है। कुल अगर अपन आंकड़ों की बात करते हैं तो सिर्फ राजस्थान स्टेट के इसमें 76 जो पॉजिटिव केस है वो शामिल है, और 17 केस इसके अंदर वो भी शामिल है जो कि जिन भारतीयों को ईरान से राजस्थान लाया गया था। लेकिन अब एक बड़ी राहत इसको ये कहा जा सकता है कि लगातार ये देखा जा रहा था कि हर 2-3 घंटे के अंदर पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ रही थी। कल सुबह 4 पॉजिटिव केस राजस्थान से सामने आए थे, सुबह 9 बजे जो रिपोर्ट जारी की गई थी सरकार की तरफ से, लेकिन उसके बाद पूरे राजस्थान में किसी तरह के केस सामने नहीं आए थे। दोपहर 2 बजे ईरान से आए जो भारतीय थे उनकी रिपोर्ट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद में कल दोपहर 2 बजे के बाद में पूरे राजस्थान के लिए एक बड़ी राहत है कि किसी तरह का कोई पॉजिटिव केस जो है वो सामने नहीं आया है। ये इसके लिए पूरा जो राजस्थान है, जिस तरीके से राजस्थान ने संयम दिखाया है, लोग घरों से बाहर नहीं निकले हैं, उसका ही एक नतीजा है। और जितने भी केसेस अभी तक आए हैं पॉजिटिव केस, या तो उनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो रही है, या वो होम आइसोलेशन में जब गए हैं तो किसी तरीके से उन्होंने खुद को पूरी तरीके से आइसोलेशन में नहीं रखा है। उनके परिवार के लोग या उनके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो लोग आए थे वो उनके संपर्क में आए, और उसके बाद में दूसरे लोग भी संक्रमित हो गए थे। तो जिस तरह का जो संयम है पूरा राजस्थान दिखा रहा है, राजस्थान सरकार के तमाम जो प्रयास है वो रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाले जो घंटे होंगे वो ये तय करेंगे क्या हम 24 घंटे पूरे कर पाते हैं, कि क्या 24 घंटे में भी इसी तरह की कोई बड़ी राहत की खबर आती है कि 24 घंटे के अंदर पूरे राजस्थान से एक भी केस नहीं आया, वो राजस्थान के लिए एक अच्छी सकारात्मक बात होगी और एक राजस्थान के लिए कोरोना पे एक बड़ी जीत की तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम अपडेट्स के लिए।